कहते हैं ईद उल फितर खास तौर पर बच्चों की ही ईद होती है। मीठी ईद का मजा दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अपने बच्चों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गई। लाहौर चिड़ियाघर की सैर करवा रहे हैं जुबैर साजिद ढिल्लों अपनी इस रिपोर्ट में। बच्चों के लिए ईद पर तफरी के लिए चिड़ियाघर से बेहतर जगह कोई नहीं, यही वजह है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे शेर, हाथी और बंदर समेत दीगर जानवरों को देखकर लुत्फ अंदोज होते रहे। दिन भर चिड़ियाघर की टिकट लेना भी कोई आसान काम ना था। लंबी कतारों में खड़े लोग कई कई घंटे इंतजार करते रहे। बहुत अच्छी जगह चिड़ियाघर, बच्चे एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ इधर आते हैं, बहुत सेफ जगह, बहुत मजा आता है। बहुत तफरी के साथ साथ शहरी कंटीन की नजायज मुनाफाखोरी का भी रोना रोते रहे। कहते हैं नाकस और गैर म्यारी अशिया मार्केट से तीन गुना महंगी फरोख्त की जा रही हैं। कई मरतबा शिकायत की लेकिन इंतजामिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। यहाँ पे तो इतनी ज्यादा लूटमार मचाई हुई है, इतनी महंगाई है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अपनी सोच से ज्यादा महंगी चीजें हैं, ये जरा से चने लिए हैं वो 80 रुपए के दे रहे हैं, इससे तो आधी रोड़नी वाला भी नहीं खाया जा रहा। दूसरी जानिब चिड़ियाघर इंतजामिया के क्या कहने, डायरेक्टर साहब नजायज मुनाफाखोरी मानने के लिए तैयार ही नहीं। कहते हैं रेट इंतहाई मुनासिब है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। डीजी साहब ने आके एक एक चीज चेक की है वहाँ पे बस, और उसके उनके मेयार को, उनके जो है ना, उनके लोगों से पूछा है कि उनके चार्जेस के हवाले से, तो एक भी कंप्लेंट अभी तक जो है ना, वो मैं यहाँ पे इंतजामिया इंतजामिया का सरबराह हूँ, मुझ तक कोई कंप्लेंट नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो तफरी गाहों में महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के साथ साथ इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई करे ताकि शहरी तफरी से खूब लुत्फ अंदोज हो सके। ईद के मौके पर जहां शहरी चिड़ियाघर की सैर से महसूस होते रहे, वही कंटीन की नजायज मुनाफाखोरी का रोना भी रोते रहे। जुबैर सजीद ढिल्लों, न्यू न्यूज़, लाहौर।